हेलो भाइयों, मैं हूँ आपका भाई सुमित यार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज किस न्यू वीडियो में। तो यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना गेम प्ले मजे से एंजॉय करेंगे। तो भाई आज किस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले न्यू कैरेक्टर रोनाल्डो की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि काफी ओपी वाला कैरेक्टर, एकदम जादूगर सा कैरेक्टर है। एकदम यार बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलता कि उनके साथ हुआ क्या है और उनको हम इजीली किल कर सकते हैं। तो काफी अच्छा कैरेक्टर लगा मेरे को। तो किन किन बंदों के पास ये वाला कैरेक्टर है कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता देना। तो सबसे पहले तो हम इसको 6 लेवल का कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड था तो मैंने इसको कर दिया 6 लेवल का, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसकी स्किल के बारे में। तो भाई जब भी आप इसकी स्किल का यूज करोगे तो आपके आसपास एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देगा, जिसको हम बोल सकते हैं कवच से क्रिएट कर देगा, एक शील्ड से क्रिएट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एनिमी डैमेज नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ आप उसको आसानी से डाउन कर सकते हो, आप उसको आसानी से डैमेज दे सकते हो। लेकिन आपको भाई याद रखना है ये सिर्फ 9 सेकंड तक ही एक्टिव रहता है। तो 9 सेकंड में तो भाई आप आसानी से 2 या 3 बंदों को क्लियर कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एनिमी आपकी शील्ड पे 600 तक का डैमेज दे देगा तो वो आपकी शील्ड को फोड़ देगा। तो काफी अच्छा कैरेक्टर लगा मेरे को। लेकिन भाई 9 सेकंड बहुत होते हैं भाई, है ना। तो अगर आपको ये लेना है तो ले सकते हो, जिन बंदों को आलोक लेना था वो ये ले सकते हैं। तो चलो यार मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद और आपको बताता हूं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रॉम द एशेस आई राइज। तो छोटे से इंट्रो के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से आज किस न्यू वीडियो में। तो भाई हम बात करने वाले सीधा टिप नंबर 1 की, और टिप नंबर 1 काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इजी तरीके से एनिमी को किल कर पाओगे, उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से स्किल को ऑन कर दिया है तो मेरा कैरेक्टर हो चुका है बहुत ज्यादा फास्ट, ठीक है। तो मैं कितना फास्ट जा रहा हूँ देख सकते हो, आलोक से भी फास्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सामने की साइड में बंदा ग्रेनेड ही कर रहा है, मैंने उसको आके सीधा डाउन कर दिया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है और उसको मैंने इजी तरीके से क्लियर कर दिया। तो आप भी इसका स्किल का यूज करके इजी तरीके से एनिमी के पास जाके उसको फटाफट से मार सकते हो। तो ये स्किल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका स्किल मेरे को काफी अच्छा लगा। तो चलो यार बढ़ते सीधा अब हमारे सेकंड वाले टिप की तरफ, ये टिप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं सेकंड वाले टिप की, और सेकंड वाला टिप काफी ज्यादा ओपी होने वाला है। जब भी आप एनिमी से फाइट करते हो, जब ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है और इजी तरीके से आप एनिमी को मार पाओगे, आपको एनिमी बिल्कुल डैमेज नहीं कर पाएगा और आप उसको इजी तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो देख सकते हो ना सामने की साइड से एक बंदा आ रहा है, मैंने यहाँ पे मेरा स्किल ऑन कर दिया, मैंने इजी तरीके से एनिमी को डाउन कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ से अगर कोई बंदा मेरे को दूर से भी उस बंदे को कवर फायर दे रहा होता तो वो मेरे को नहीं मार पाता और मैंने उसको इजी तरीके से क्लियर कर दिया। तो इस टिप का भी यूज करके आप इस टिप को भी अच्छे से फॉलो करके इजी तरीके से एनिमीज को क्लियर कर सकते हो और आसानी से बंदों को मार सकते हो। तो देख सकते हो यार कितनी आसानी से मैंने बंदे को मार दिया, बंदे को बिल्कुल भी पता नहीं चला, बंदा गन भी रिलोड नहीं कर पाया और उसको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि यार वो मेरे को मारता इतनी देर में मेरा स्किल ऑन हो चुका था। तो भाई इस टिप को भी फॉलो करके आप इजी तरीके से एनिमीज से फाइट ले सकते हो और आसानी से एनिमीज को क्लियर कर सकते हो। तो ये टिप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे को। और भाइयों जिसने अभी तक यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया ना तो क्या कर रहे हो यार, भाइयों इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। तो सीधा बढ़ते अब हमारे थर्ड नंबर की टिप की तरफ, और थर्ड नंबर का टिप भी काफी ज्यादा ओपी होने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं यार सीधा थर्ड नंबर वाले टिप की, और थर्ड नंबर वाला टिप भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एनिमी पीछे से बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है और आप पे बहुत ही गंदे तरीके से रश करता है और आपको क्लियर भी कर देता है। लेकिन हाँ भाई अगर आपके पास उस टाइम पे रोनाल्डो होगा तो आप इजी तरीके से एनिमी को मार पाओगे। देख सकते हो यहाँ पे कितना गंदा डैमेज दिया, लेकिन मैंने ग्लूअल बनाई और फिर यहाँ पे मेरी स्किल को ऑन कर दिया और उसको इजी तरीके से डाउन कर दिया। यहाँ पे मैंने जंप शॉट लगाया, लेकिन हाँ भाई आप अपने सर्कल के अंदर से भी, अपने शील्ड के अंदर से भी आप एनिमी को मार सकते हो, क्योंकि आप पे वो बहुत ही गंदा रश करेगा और आप उसको इजी तरीके से शील्ड के अंदर से मार सकते हो। वो आपको नहीं मार पाएगा, लेकिन आप उसको अच्छे से डैमेज दे पाओगे और इजी तरीके से क्लियर कर दोगे। तो अगर आप इस टिप को अच्छे से फॉलो करते हो तो इजी तरीके से एनिमी को क्लियर कर पाओगे और आसानी से बंदे को मार पाओगे। देखो एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूं तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इजी तरीके से इसका यूज करके आराम से बंदे को मार सकोगे, ठीक है। तो देख सकते हो सामने की साइड में बंदा है, को पता है कि वहां पे एक बंदा है, ठीक है। तो मैं उस पे रश कर रहा हूं, ठीक है। मैंने उस पे रश किया है, यहां पे मैंने उसको इजी तरीके से डाउन कर दिया, लेकिन यहां पे मैंने ग्लूअल डाली और मेरा शील्ड ऑन कर लिया, मेरा फोर्स फील्ड ऑन कर लिया, मेरा स्किल ऑन कर लिया और इजी तरीके से हील कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है अगर वो उसके दूसरे पार्टनर को बुलाएगा तो वो मेरे पे रश करेगा और वो मेरे को आसानी से मार सकता है, क्योंकि मैं डैमेज हूं। अगर मेरा शील्ड ऑन रहेगा तो वो मेरे को नहीं मार पाएगा और उस एनिमी को भी मैं इजी तरीके से क्लियर कर पाऊंगा। तो आप इस टिप को भी फॉलो करके इजी तरीके से एनिमीज को क्लियर कर
सकते हो। पहले एक बंदे को डाउन किया और दूसरा उसको बचाने के लिए आएगा, लेकिन वो बोलेगा कि भाई बस एक गोली का है, तू जाके मार दे, और इतने में आपका शील्ड ऑन रहेगा, आपका स्किल ऑन रहेगा और आप उस एनिमी को भी इजी तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो ये टिप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो बंदे चैनल पर पहली बार आ रहे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बेल आइकन बन के आएगा उसको भी ऑल पे सेट कर देना। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं 4 नंबर वाले टिप की, और 4 नंबर वाले टिप भी काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आप सीएस वगैरह खेलते हो और रैंक वगैरह खेलते हो तो आमने सामने एकदम आपकी स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड भिड़ जाती है एकदम आमने सामने, ठीक है। उसी बीच क्या होता है कि आपका पार्टनर एक डाउन हो जाता है या आपके दो पार्टनर डाउन हो जाते हैं, तो आप उनको रिवाइव करने की बिल्कुल सिचुएशन में नहीं होते, बिल्कुल रिवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कैरेक्टर होगा तो आप उस कंडीशन में भी यार आप अपने पार्टनर को रिवाइव कर पाओगे और ईजी तरीके से गेम को विन कर पाओगे। देख सकते हो यहां पे बंदे फायर कर रहे हैं, बंदे एकदम फाइट कर रहे हैं, देख सकते हो सामने बंदा फाइट कर रहा है लेकिन मैं उसके सामने अपने पार्टनर को रिवाइव कर दे रहा हूं और इजी तरीके से मैंने उसको मार दिया। तो अगर आपके पास ये वाला कैरेक्टर होगा तो आप इजी तरीके से अपने पार्टनर को भी रिवाइव कर सकते हो। तो ये टिप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई अब हम बात करते हैं और सीधा 5 नंबर वाले टिप की, लेकिन 5 नंबर का टिप बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार भाइयों, फटाफट से वीडियो को कर दो एक लाइक, और जो बंदे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और पास में जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बेल आइकन बन के आएगा ना उसको भी ऑल पे सेट कर दो, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो भाइयों मेरे को पता है आप सब कर लोगे, काफी ज्यादा प्रो बंदे हो, तो यार 2 सेकंड का काम है, फटाफट से कर लेना, ठीक है। तो भाइयों जब भी आप इस कैरेक्टर का यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है आपको एनिमी से थोड़ा सा मिड रेंज पे रहना है ताकि वो आपके सर्कल के अंदर ना आ सके, अगर वो आपके सर्कल के अंदर आ गया तो वो आपको इजी तरीके से मार सकेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बंदे से थोड़ा सा मिड रेंज पे रहना है जिससे कि वो आपके सर्कल में ना आ सके, या फिर सर्कल में आने के लिए उसको टाइम लगे और आप इतनी देर में उसको डैमेज देके खत्म कर दो। तो भाइयों इन टिप्स का फॉलो करके आप इजी तरीके से एनिमीज को क्लियर कर सकते हो और आसानी से इस कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। तो ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि भाई बहुत सस्ता मिल रहा है आलोक से, तो काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है। तो जो बंदे आलोक लेने के लिए सोच रहे थे वो बंदे भाई ये वाला कैरेक्टर ले लेना, एकदम आलोक को टक्कर देने वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो आलोक मत लेना, काफी ज्यादा पैसे लगेंगे उसमें, आपको यहाँ पे सिर्फ 100 डायमंड का टॉपअप करना है, 80 रुपीज का टॉपअप करोगे आपको इजी तरीके से ये कैरेक्टर फ्री में मिल जाएगा, साथ में 100 डायमंड भी मिल जाएंगे। तो भाई प्लीज आलोक मत लेना और ये सस्ता वाला कैरेक्टर ले लेना, काफी अच्छा कैरेक्टर है। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, बस मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा।